गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम आज की वीडियो में बात करेंगे कक्षा एक के लिए जो कार्यपत्रक हमें विभाग द्वारा सॉफ्ट कॉपी में उपलब्ध कराया गया है, उस पर कैसे कार्य करना है, उस पर हम लोग चर्चा पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले कुछ कार्यपत्रक हमें कक्षा एक, कक्षा दो और कक्षा तीन के लिए विभाग से भाषा और गणित के प्राप्त हुए हैं। अब शिक्षकों में ये एक कन्फ्यूज़न की स्थिति बनी हुई है कि ये हमें सॉफ्ट कॉपी में मिला हुआ है, और जिन विद्यालयों में बहुत ज़्यादा बच्चे हैं कक्षा एक में, दो में, तीन में, वो कितना प्रिंट आउट निकालेंगे। तो अभी विभाग द्वारा हमें निर्देश प्राप्त हुआ है कि कार्य पुस्तिका प्रिंटिंग में है, वो छप रही है, जल्दी हमें प्राप्त होगी। तब तक हम ब्लैक बोर्ड के माध्यम से बच्चों को ग्रुप में इकट्ठा करके, और जहाँ पे बच्चे कम हैं उनकी कॉपियों में ये कार्यपत्रक के चित्र अंकित कर सकते हैं और इसको सहजता से करा सकते हैं। ग्रीन बोर्ड, ब्लैक बोर्ड पे चित्र बना करके बच्चों को करने के लिए कह सकते हैं। और ऐसी परिस्थितियाँ बहुत बार आई हैं हमारे सामने, हमें ही अपने बच्चों तक ये सारी चीज़ों को पहुंचाना है, और समस्या हमारी है, समाधान भी हमें निकालना पड़ेगा। इसका एक ही उपाय है कि ग्रुप में बच्चों को कार्य दे दिया जाए, सब एक साथ करें। ये सारी दक्षताएं उनमें आनी चाहिए, मेन इसका उद्देश्य यही है। तो ये कुछ कार्यपत्रक हैं, देख लीजिए। इसी तरह के कार्यपत्रक हमें गणित विषय में भी प्राप्त हुए हैं कक्षा एक, दो और तीन के लिए। और इन चित्रों को आप बना के दे दीजिए, बच्चे खुद से ड्रॉ करें, ड्राइंग बच्चों को बहुत पसंद होती है। फिर उनका मिलान करना, बिंदु से बिंदु मिलाना, ये उनकी उत्तर पुस्तिका या कॉपी में भी हम बना करके दे सकते हैं, आपको अलग से प्रिंट आउट करने की ज़रूरत नहीं है। वाइट पेपर पे हम वैसे भी एक्टिविटीज़ कराते रहते हैं, तो अगर बच्चों की संख्या 10-15 के बीच में है तो वो भी कराया जा सकता है। जहाँ पे 40-50 बच्चे हैं वहाँ पे समस्या है, तो वो ग्रुप में कार्य कराया जा सकता है कि दो तीन बच्चे कर रहे हैं और बच्चे उसमें उनका सहयोग कर रहे हैं, वो समझ रहे हैं। इन कार्यपत्रकों का मेन उद्देश्य है बच्चों में इन दक्षताओं का समावेश होना। तो इसको एक माध्यम है कि आप ब्लैक बोर्ड पर ये बना दीजिए और एक एक बच्चे को बुला करके आप करा दीजिए, वो भी हो सकता है, एक बहुत आसान तरीका है। तो आशा है कि जो भी थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न है वो दूर हुआ होगा। बाकी जल्द ही हमें ये कार्यपत्रक प्राप्त होंगे हार्ड कॉपी में, और प्रत्येक बच्चे को हम करा पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं कुछ नए कार्य के साथ। धन्यवाद।